अस्सलाम वालेकुम जी, ये है हमारी आज की मॉडल और इस मॉडल का हमने बहुत ही खूबसूरत मेकअप किया, आपको देख के बहुत मज़ा आएगा और आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल को ज़रूर ट्राई करना है। और आप इस तरह की आंख भी कभी कभी बनाया करें, और कई लोगों को तो इस तरह की आंख बहुत ही पसंद होती है, और आप लोग भी इस तरह की आंख ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको किस तरह का मेकअप लगा, कहाँ पर मुश्किल पेश आई, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई। बड़े ईजी टेक्निक्स के साथ मैंने आपको खाने की पूरी कोशिश की है। सबसे पहले हमने प्राइमर लिया, क्योंकि आजकल सर्दी है, ड्राई हो जाता है फेस, तो HG प्राइमर जो है क्रेलॉन का बहुत ही बेस्ट है मॉइस्चराइजिंग के लिए। आप उसको लगा के पूरे फेस को प्रेप कर सकते हैं पहले, और जब आपकी स्किन प्रेप हो जाए अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है ना फिर आप मेकअप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जो डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पे आप जो है वो प्रो वालों का कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज क्रेलॉन का कंसीलर यूज़ किया, ये भी बहुत ही अच्छा है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके एरिया में कौन सी चीज़ मिलती है, किस तरीके से मिलती है, और आप उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं जो भी ईजीली मिल जाए आपको। ठीक है जी, इसमें घबराना नहीं, परेशान नहीं होना कि शायद जो है मेकअप अगर वो नहीं मिलेगी, हमारे पास ये वाली क्रेलॉन की चीज़ नहीं होगी या प्रो का कंसीलर नहीं होगा। कोई कंपनी जो आपके एरिया में होगी जो अच्छी होगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हल्की सी, ये देखें, लाइट सी हमने बेस यूज़ की, और बेस यूज़ करने के बाद हमने स्टिक का इस्तेमाल किया और उसको पूरे फेस के ऊपर हमने अच्छे तरीके से कर लिया ब्लेंड। आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आप मेकअप उतना ही अच्छा कर सकते हैं। पूरे फेस के ऊपर आपने पहले अच्छे तरीके से अपनी बेस की ब्लेंडिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने हमने कुछ लिक्विड फाउंडेशन लिया और वो पूरे फेस के ऊपर लगा के हमने उसको भी ब्लेंड कर लिया, वो पार्ट शायद स्किप हो गया। अब जी है ना, इसके ऊपर आप पाउडर लगा लें। आपको बेस पाउडर लगाने से पहले आपकी बेस जो है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, और फिर आपने पाउडर लगाना है। और ये देखें, इस तरीके से आपने जैसे डस्ट ऑफ करते हैं ना, किसी चीज़ को झाड़ते हैं, उस तरीके से आपने इसका पाउडर जो है पूरे फेस के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेना है। और फेस के ऊपर जब अच्छे तरीके से पाउडर लग जाएगा तो फिर उसने जितना स्किन ने एब्जॉर्ब करना होता है वो कर लेता है, बाकी जो है वो हम डस्ट ऑफ कर देते हैं। अब देखें जी, नोज़ की कंटूरिंग, नोज़ भी इनका बहुत प्यारा था, और उसको अपने जस्ट थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग करके उसको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दिया कंटूरिंग के ज़रिए। ये देखें जी, हमने लाइट ब्राउन सा शेड लिया, मैं क्रिस्टीन के यूज़ करती हूँ, आपका जो दिल करता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं हूला वालों का मैं ब्रॉन्ज़र भी यूज़ करती हूँ, और मैं क्रिस्टीन का ये कंटूरिंग के लिए शेड यूज़ करती हूँ। आप लोगों के एरिया में जो मिलता हो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब आप देखें जी, आपने पूरे माथे के ऊपर अच्छे तरीके से, बालों के ऊपर जहाँ पे आपका लगे पाउडर लग गया है या कोई, उससे भी घबराना नहीं, आपने उसके ऊपर यही वाला कलर लेके वहाँ वहाँ बालों के आसपास लगाएंगे तो बड़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है जी, आपने पहले स्केच तैयार करते जाना है, स्केच तैयार करने के बाद आपने अपना बाकी काम करना होता है। जितना अच्छा आपका स्केच होगा उतना अच्छा आपकी लास्ट फिनिशिंग होगी। जब आप इसीलिए जो है वो मेकअप जो है वो मैं एक मेकअप जो है वो आधे पौने घंटे के अंदर डन कर लेती हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि मैं स्केच तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद लास्ट पे उसको जो है हम फिनिशिंग कर लेते हैं आफ्टर हेयर डू और आफ्टर ज्वेलरी, और फिर जो है वो 8-10 मिनट लगा के मज़ीद उसको जो है वो हम डन कर लेते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि मेकअप जो है वो बहुत जल्दी जल्दी किया करें, ताकि आपका हाथ जो है वो थोड़ा सा उस पर तेज़ काम करें। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसका हाइलाइटर ले लेना है, हाइलाइटर को भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है, चीक से बिल्कुल चीक बॉन के ऊपर आपने हाइलाइटर लगाना है। और आपका हाइलाइटर जितना अच्छा होगा, आपके कंटूरिंग जो चीज़ें हैं, कंटूरिंग जहाँ से आपने की होगी वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट वो चीज़ें आपकी उभर के सामने आ जाएगा। फेस भी आपका कंटूर से कट जो है वो आपका सारा फेस का प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक हो गया जी, अब आप देखें कि हमने सिर्फ बेस इनको लगाई, इनको कंटूर किया और इनको ब्लश ऑन किया, और बिल्कुल जो है वो एक नेचुरल सी इनकी लुक आ रही है, कि बहुत ज़्यादा हमने वो चिट्टा और इस तरह का नहीं किया। ये हमने पहले ये आपको किसी भी मार्केट से ये वाले एप्लीकेटर मिल सकते हैं, और अगर आपको इनसे लगाने में प्रॉब्लम हो तो आप ब्रशेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, आपने पूरे आई बॉल तक इस को अच्छे तरीके से आपने लगा लेना है, दोनों आई बॉल्स के ऊपर आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, और लगाने के बाद आपने इसको ब्लेंड करना है।
इसको आप हाथों के साथ भी टैप टैप करके, हाथों के साथ भी, अपने फिंगर के साथ भी आप लगा सकते हैं। कलर जो भी आपने लगाना हो, कलर डल गोल्ड लगाना हो, गोल्डन लगाना हो, ब्लू लगाना हो, ग्रीन लगाना हो, कोई भी कलर आपके जो भी पैलेट के अंदर मौजूद है, आप उसको हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं और आप अपने ब्रश की मदद के साथ भी लगा सकते हैं। और आईज़ का मेकअप जितना आप की प्रैक्टिस होगी, जितना आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे, उतना ही अच्छा आपको इसका फीडबैक मिलेगा और उतना ही अच्छा आपको जो है वो ख़ुद भी आपको देखने को अच्छा लगेगा। ये मेन चीज़ है। अगर आप टेक्निक्स का आपको पता चल जाता है, उसके बाद है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। और हमारे सैलून के अंदर कल आ रही हैं फिज़ा अली, और उनका भी मेकअप ट्यूटोरियल हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को फिज़ा अली किस किस को पसंद है, आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है, और अगर आप कहेंगे तो हम उनका भी ट्यूटोरियल मेकअप का बनाने की उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनका भी ट्यूटोरियल हम आपके साथ अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को फिज़ा अली पसंद है, तो मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली, और फिज़ा अली को भी मेरा मेकअप बहुत पसंद है। वो जब भी इस्लामाबाद में आती हैं तो वो डेफ़िनेटली मैं ज़रूर उनका एक शूट करती हूँ, चाहे कैजुअल हो, चाहे ब्राइडल हो, चाहे कोई भी लुक हम ज़रूर क्रिएट करते हैं जी। और 22 फरवरी को जो हमारी क्लास हो रही है लाहौर में, आप उस क्लास के लिए अपने टिकट्स जो हैं वो बुक करा लें। आसफा के साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वन डे की हमारी ये क्लास है, फ्लैटीज होटल के अंदर हमारी ये क्लास हो रही है जी, और इसको ऑर्गेनाइज जो कर रही हैं वो आसिफा कर रही हैं, और उसका नंबर आप हमसे हमारे सैलून के नंबर पे कॉल करके हमसे ले सकते हैं। अब देखें जी, नीचे से अगर आपने अपनी आईज़ की ये वाली नीचे वाली लाइन जो है वो अगर आपने ब्लेंड करनी है, आपने इसकी ब्लेंडिंग इतनी खूबसूरत करनी है, और इसको बाहर वाली साइड पे आपने इसको निकालना है, जितना भी आपने इसको लंबा करना है, आपने हल्के हल्के हाथों से इसको लंबे लंबा करते जाना है और नीचे से इसको हल्का हल्का ब्लेंड करते जाना है। और इसका जितना आपको देखें, जितनी लाइन की हमें ज़रूरत है, उतना ही हम लाइनर जो है वो आगे वाले साइड के ऊपर उसको ब्लेंड करते हैं। और इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक से दो दफ़ा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप जो है वो लाइनर लगा सकते हैं। इसको और भी आप नीचे से जितनी आपको, कई लोगों को ये लंबी आंखें पसंद हैं, वैसे आजकल ये फैशन में इन नहीं है, फैशन में आजकल इस तरह की आंख नहीं चलती, और क्योंकि आजकल बहुत सॉफ्ट और सेटल्ड और बहुत ही एलिगेंट सी लुक जो है वो क्रिएट की जाती है और लोग भी उस तरह की लुक मांगते हैं। इवन के अब तो लाइनर भी बहुत ही लाइट सा लाइनर कहते हैं जी, आंख के ऊपर लगा हुआ हो, जो नज़र भी ना आए और थोड़ी सी उसके अंदर पर्सनैलिटी भी ग्रूम हो जाए। और आप लोगों को अगर इस तरह की लंबी आंख बनानी है और आपको खूबसूरत कोई और आपका क्लाइंट कहता है जी मुझे लंबी आंख कर दे, आप इसको करके उसके बाद आपने कोई भी बेस लेके फिर आपने उसको प्रॉपर एक लाइन आपने बाहर वाली साइड पे क्रिएट कर देनी है ताकि वो नीट लुक आ जाए, अगर ऊपर नीचे लाइन हो जाए, और फिर आपने वहाँ पे अपना पाउडर लगा के उसको टैप कर देना है। ये नहीं है कि अगर आपने बेस के साथ नीट की है, और अगर आप बेस के साथ नीट कर देंगे तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद आपका जो है वो लाइनर जो है वो वहाँ पे और फैल जाएगा अगर आप पाउडर वहाँ पे टैप नहीं करेंगे। तो इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लाइनर जो है ना, आपने उसको लगाने के बाद आपने उसको नीट करना है, नीट करने के बाद आपने 100% उसके ऊपर पाउडर लगाना है। इसी तरीके से आईब्रो है, आईब्रो को भी आपने वो करके और जो है वो आपने आईब्रो को, आईब्रो के ऊपर जो है वो आईब्रो के ऊपर आपने, मैं ब्राउन एक्वा यूज़ करती हूँ। आप अगर आपको ज़्यादा डार्क आईब्रो नहीं बनानी तो आपने क्या करना है कि आपका जो क्रिस्टीन का जो शेड मैं यूज़ करती हूँ कंटूरिंग के लिए, आप वो वाले शेड्स के साथ जो है वो कंटूरिंग कर सकते हैं। कंटूरिंग वाला शेड भी आईब्रो के ऊपर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डार्क आईब्रो नहीं पसंद। मुझे पर्सनली भी डार्क आईब्रो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इसलिए कि एक तो इसके साथ लुक आपकी बहुत ही अच्छी क्रिएट हो जाती है, और दूसरा आपकी आंख का मेकअप जो है उठता है आईब्रो के साथ। अब दूसरी आईज़ की आप आईब्रो चेक कर सकते हैं कि ह्यूज डिफरेंस दोनों आईज़ की आईब्रो के ऊपर लग रहा है। और इसके साथ जब आप हाइलाइटर लगाएंगे और हाइलाइटर को आप थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आपको इसकी ब्लेंडिंग और इसकी उसके अंदर फिनिशिंग के अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये आपको महसूस होगा। और उसकी ये है कि आपकी आईज़ बिल्कुल खुल के ऊपर बाहर की तरफ आ जाती है और बड़ा ही अच्छा लगता है आईज़ का मेकअप इस तरीके से करना।
आपने आईज़ के अंदर जो है वो कोई भी शेड आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने ब्लैक करना हो आप ब्लैक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है वो ब्लश ऑन आपने जब देखें लास्ट फिनिशिंग आपने करनी है एक साइड की, अब आपने देखा है डिफरेंस और दूसरी आईज़ का, तो ये बड़ी ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप करेंगे तो आपकी आँख जो है वो बहुत ही अच्छी खूबसूरत तैयार हो सकती है। और उसके बाद जब आप उसके मस्कारा लगाएंगे और मस्कारा लगाने के बाद आप जो है वो उसको लाइनर वगैरह उसको लगाएंगे तो डेफिनेटली आँख और ज़्यादा नीट लगती है और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लिपस्टिक को एक दफ़ा लगा लेना है अच्छे तरीके से, प्रोमिनेंट करके आपने लिपस्टिक को भर के लगाना है और उसके बाद आप इसको भी नीट कर सकते हैं। और उसकी शेप जो है वो आपने किसी भी जितना आप छोटा ब्रश इस्तेमाल करेंगे लिप्स के लिए ख़ास तौर पे आपकी फिनिशिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। और जो है वो बाकी स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जी मरी में, जिस जिसने देखनी है और पहली दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद इतनी ज़्यादा जो है वो पहली ही दफ़ा जो है वो स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा मरी में हुई। तो जो लोग शौकीन हैं बर्फ़ को देखने के वो ज़रूर वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे देखें। हमने मैं वीलॉग भी बनाया है मरी का, वो भी आप मेरे वीलॉग वाले चैनल पे जाके उसको भी ज़रूर देखिएगा, फरा सलोन वीलॉग लिखेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट सेलेब्रिटीज़ के व्लॉग्स बिहाइंड द सीन क्या करते हैं हम लोग और क्या चिट चैट करते हैं वो सब उसके अंदर हमने शेयर किया है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि फिज़ा अली के अगर आपको मेकअप देखना है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी उनके ट्यूटोरियल्स शेयर किए हुए हैं, लेकिन अगर आपने उनका मेकअप देखना है कि उनको हम किस तरह की बेस लगाते हैं, कौन सा कलर लगाते हैं, तो आप ज़रूर मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा। फिर इंशाल्लाह वो कल तशरीफ़ ला रही हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारा वो करें। अच्छा, अब देखें गर्दन के अंदर और आईज़ के अंदर जो है जो डिफरेंस है, आपने जब आफ्टर मेकअप सारा कर लेते हैं आपने उसको जब अपनी ब्राइड को खड़ा करना है तो आपने उसको लाजमी देखना है कि जो है वो उसकी गर्दन और उसका फेस एक जैसा लगे, अदरवाइज़ आप लास्ट पे जब आपकी ब्राइड जाने लगे तो आपने क्या करना है कि आपने गर्दन के ऊपर दोबारा से बेस लगा के तो आपने उसको फिनिशिंग देनी है, क्योंकि फिनिशिंग जितनी अच्छी होगी आपका मेकअप उतना ही अच्छा होगा। और ढेर सारी दुआओं के अंदर मुझे भी याद रखा करें और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। और हमारे सैलून की लास्ट डील जो आप लोगों को जो आप लोगों को हमने 30 दिसंबर की डेट दी थी जी, हम डिस्काउंट के ऊपर आप लोगों कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ थे फ़ीस पे करने के अंदर, और उन लोगों के लिए मैंने ये डील लगाई थी स्पेशली जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने वो कोर्सेज़ जो हैं हमारे 30 दिसंबर लास्ट डेट है उसकी। और आपको नया साल सबको दिल की गहराइयों से मुबारक हो, अल्लाह ताला जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, अल्लाह ताला उन सब की बीमारियां आफतें घर की मुसीबतें जितनी भी उनके ऊपर उनकी दिली मुरादें अल्लाह ताला सबको पूरा पूरा करे, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और नया साल अल्लाह ताला हम पे